और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। आपको बता दें कि नॉनस्टॉप 100 में तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई है, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से हंगामा तेज हो गया है। रामपुर बंद के ऐलान के बाद हंगामा बढ़ा और प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो गई, एक की मौत भी हो गई है। पथराव और आगजनी की वारदातें भी हुई कानून के खिलाफ। एक दिन पहले भी यूपी हिंसा से सुलगता रहा। थोक भाव में सरकार ने लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ की गई हैं, लेकिन हिंसा आगजनी पथराव रोकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, पुलिस को नाम पता है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, 650 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके साथ ही 10,500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चलाई गई है इस समय, यहाँ पर मैं बरेली से आया हूँ, अविनाश चंद एडिशनल डीजी बरेली जोन, और इस समय यहाँ पर हम लोग लोगों को शांत करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और इस समय यहाँ पे शांति बनी हुई है। सर, कोई मौत की भी पुष्टि? एक आदमी के मौत की खबर सुन रहे हैं सर। अभी ये सब चीज़ें हम लोग छानबीन करके फिर बताया जाएगा आपको। सर, रामपुर अमन अमान का शहर है, इस शहर को ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में बताएं, किसी भी के कहने पे कोई चीज़ बात विश्वास न करें और अमन चैन बनाए रखें, उसमें सहयोग करें। ये सबकी जिम्मेदारी, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी। एडीजी बरेली अविनाश चंद्र को आप सुन रहे थे बताते हुए कि दरअसल ये सबकी जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलांशु, फिलहाल ये बताइए, रामपुर में एक शख्स की जान चली गई है, हालात रामपुर में कैसे इस वक्त बने हुए हैं? चित्रा, रामपुर में फिलहाल प्रदर्शन रुक गया है, लेकिन जो हालात है वह काफ़ी तनावपूर्ण है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है शहर में, जहां पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव किया, जो हिंसक झड़प हुई इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं जैसे कि सूचना आ रही है, और कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ भी की है। तो उत्तर प्रदेश में जो हालात है वह काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं, धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू है, कई जगह अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद है, लेकिन फिर भी पुलिस स्थिति को काबू में नहीं कर पा रही है। आज रामपुर में जो हिंसक झड़प हुई है उसको लेकर DGP मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है और प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को फिर से ये बताया गया है कि सारे संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए और जो लोगों से संभ्रांत व्यक्तियों से बात की जाए, साथ ही पीस कमेटियों की बैठक भी की जाए ताकि स्थिति को काबू में पाया जा सके। रामपुर से काफ़ी हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं चित्रा, लेकिन फिलहाल अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लखनऊ समेत अन्य जिलों में आज जो हालात हैं वह बिल्कुल सामान्य है। लखनऊ में अच्छी खबर आती यही थी कि लखनऊ और आसपास के जिलों में हालात सामान्य हैं, लेकिन रामपुर से अच्छी खबर सामने नहीं आई, जिसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, आखिर चूक कहां से हो गई 12 लोगों की? और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर किस तरह का एक्शन हुआ है योगी सरकार की ओर से, कहाँ कहाँ पर गिरफ्तारियां हुई है, कितनों पर केस दर्ज, और टोटल आंकड़ा अगर हम आपको बताते चले तो कुल 75 जिले, 12 लोगों की मौत हुई है और अब तक 10,500 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा और आगजनी की सबसे ज्यादा खबरें आ जाई हैं बिहार से सामने। RJD ने वहां पर बंद बुलाया था और ये 25 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर की 4 तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, नीचे की तस्वीरें देखिए, जगह जगह हिंसा, विरोध प्रदर्शन, कुछ गाड़ियां तोड़ी गई, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर शांति इस देश में कब आएगी? RJD के अपने तर्क हैं, JDU सत्ताधारी पार्टी के अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा था तो वो था आम आदमी। इसी पर हिंसा का होगा हिसाब, हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। आपसे लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।